हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट दिस इज सुबराज एंड आई वेलकम यू टू आर ऑनलाइन क्लासेज ईयर टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द जोग्राफी ऑफ क्लास एट्थ एंड दिस इज योर फर्स्ट लेसन रिसोर्सेज ओके सो वट इज रिसोर्सेज फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू टॉक अबाउट द वट इज़ द मीनिंग ऑफ द रिसोर्सेज ईयर सो इट्स कॉल अ संसाधन ठीक है अगर हम बात करें रिसोर्सेज क्या होता है तो रिसोर्सेज को कहते हैं संसाधन हिंदी में ओके okay? So before starting and before talking about the resources, there is one story given here. One story is given here. So we will discuss at first and thereafter we know what is resources. Okay. So from here, Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food gains, comms, this bottle of honey, books, books. ईच ऑफ दीज हैज़ यूज सेट मोना ओके मतलब क्या हुआ कि मोना और राजू क्या हैं वो अम्मा के साथ क्या कर रहे हैं हाउस को यानी घर को साफ करने में क्या कर रहे हैं मदद कर रहे हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई देखो ये यह यहाँ पर जो क्या है clothes कपड़े यूटेंसल जो यहाँ पे बर्तन पड़े हैं या फिर जो भी सारी चीजें हैं उसने कहा कि ये सारे के सारे क्या है यूजफुल थिंग हैं ठीक है सो दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ये सारी जितनी भी चीज़ें सारे के सारे क्या है इम्पोर्टेंट है सो so, सेट अम्मा अम्मा ने कहा दीज आर ये सारे के सारे क्या है रिसोर्सिस है सो वट इज द रिसोर्स वज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा अब जब क्या होता है जब अम्मा ने बताया कि ये सारे के सारे क्या है रिसोर्सेस हैं तो अब राजू क्या करता है अम्मा से क्वेश्चन करता है कि रिसोर्सेस जो रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं ओके सो एनी थिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिसफाई नीड अ रिसोर्स मतलब जो भी चीज़ क्या करती है हमारी एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड मतलब हमारी जो जरूरतों को क्या करती है पूरा करते हैं वो सब क्या होते हैं रिसोर्स होते हैं रिप्लाइड अम्मा अम्मा ने क्या किया जवाब दिया लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व कि लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज द वाटर यू ड्रिंक वेन यू आर थ्रस्टी द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन यूर हाउस द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल द टेक्सट बुक यू यूज टू स्टडी मतलब ये है कि जो भी चीज हमारी क्या है नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं वो सब क्या होते हैं रिसोर्सेज हैं जैसे हम हमें क्या क्या होता है जब भी हम हमें क्या लगती है प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं पानी पीते हैं ठीक है ठीके? हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं हम रिक्शे का यूज़ करते हैं ठीक है और हमारे पास क्या होती है टेक्स्ट बुक है ठीक है तो टेक्स्ट बुक का यूज़ हम पढ़ने में करते हैं ठीक है तो जो भी चीज़ें ये सारे के सारे क्या होते है? रिसोर्सेस हैं रिसोर्सेज हैं ओके सो नेक्स्ट थिंग हीयर द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज आर आल्सो रिसोर्स मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारे पापा क्या कर रहे थे बहुत अच्छी चीज़ क्या बना रहे थे अच्छे अच्छे स्नैक्स तुम्हारे लिए बना रहे थे और उस स्नैक्स में जो भी वेजिटेबल क्या है यूज हो रखी है वो भी क्या था रिसोर्सेज था ओके सो so, वाटर इलेक्ट्रिसिटी रिक्शा वेजिटेबल टेक्सट बुक टेक्स बुक हैव सम इन कॉमन दे हैव ऑल बीन यूज बाई यू सो दे हैव यूटिलिटी देखो यहाँ पर एक वर्ल्ड आ रखा है जिसका नाम क्या है यूटिलिटी ओके यूटिलिटी और यूजबिलिटी इज़ वट मेक्स एन ऑब्जेक्ट एंड सबस्ट ऑफ रिसोर्सिज ओके देखो होता क्या है कि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं लेकिन उसकी किस क्या होती है कुछ यूटिलिटी होती है यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता ओके सो एज पर द टाइम द रिसोर्सिस यूटिलिटी कैन बी चेंज्ड मतलब समय के अनुसार क्या हो सकता है जो किसी भी रिसोर्सेज की जो क्या यूटिलिटी है उपयोगिता है वो क्या होती रहती है चेंज होती रहती है ओके सो नेक्स्ट थिंग इज वट ईयर हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स राजू नाउ वॉन्टेड टू नो अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली वन दे हैव अ वैल्यू देखो होता क्या है अब राजू क्या करता अपनी अम्मा से पूछता है कि कोई भी चीज़ कब रिसोर्स बन जाती है अम्मा टोल द चिंडल अम्मा क्या करती है अपने बच्चों से बोलती है कि हर कोई जो रिसोर्सेज है वेन दे हैव अ वैल्यू वैल्यू का मतलब होती है उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है कीमत होती है ओके okay? मतलब उसकी इट इज़ यूज यूटिलिटी गिव्स अ वैल्यू ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू सेट अम्मा अम्मा ने कहा कि भाई कोई भी रिसोर्स है उस रिसोर्स की क्या होती है अपनी एक यूटिलिटी उपयोगिता होती है या फिर उसकी अपनी क्या होती है एक वैल्यू होती है यानी उसकी क्या होती है कुछ कीमत होती है ओके सो नेक्स्ट फ्रॉम हियर वैल्यू मींस वर्थ सम रिसोर्सिस हैव इकोनॉमिक वैल्यू सम डू नॉट फॉर एग्जाम्पल मेटल हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू अर ब्यूटिफुल लैंडस्केप मे नॉट बट बोथ आर इम्पोर्टेंट ए सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स ठीक है वैल्यू का मतलब है ओर्थ यानी उसकी जो कीमत है लेकिन सम रिसोर्स यानी कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जिसकी क्या होती है अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं होती जहाँ जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि मेटल्स कोई भी धातु है उसकी अपनी क्या होती है एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है लेकिन एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप ठीक है उसकी क्या नहीं होती कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती जबकि दोनों को दोनों क्या करते हैं ह्यूमन नेड्स को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं ठीक है नेक्स्ट थिंग वट इज़ ईर सम रिसोर्सिस कैन बी बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विद टाइम योर ग्रांड मदर्स होम रेमिडीज हैमर्शियल वैल्यू टूडे बट इफ़ दे आर आर पेटेंडेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फॉर्म टूमोरो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल ओके सो वट इज द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ देखो होता क्या है कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिकली बिल्कुल भी क्या है वैल्यू आज के टाइम पे नहीं है जैसे हमने कहा कि हमारी दादी माँ हैं और उनके क्या है होम रेमिडीज़ का मतलब है जो घरेलू क्या होते हैं नुस्खे होते हैं जैसे आपकी तबीयत ख़राब है तो दादी माँ क्या कर देती है घर में कुछ क्या दे देती है आपको ऐसी दवाई देती है घरेलू दवाई जिससे आप क्या हो जाती है और ठीक हो जाती है लेकिन उसकी आज के टाइम में कोई भी क्या नहीं होती है इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है कोई भी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है क्योंकि हम क्या समझते हैं कि दादी माँ तो एक डॉक्टर नहीं है जबकि वो क्या करती है हमें ठीक करने में क्या करती है मदद करती है लेकिन दादी माँ के नुस्सों नुस्खों की कोई क्या करे दे हैव पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय सोल्ड बाय बाई मेडिकल फर्म कोई एक जानी मानी मेडिकल फर्म हो और वो उसे क्या करे बेचने लगे अपने नाम देके या फिर अपने टैग देके या फिर अपने लोगो देके तो उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू क्या हो जाती है बढ़ जाती है ओके सो नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम ईयर टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सबस्टांस इन टू रिसोर्स बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल पीपल दैम सेल्प आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स देखो कोई भी चीज़ है जो क्या है रिसोर्स है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है क्योंकि समय के अनुसार क्या होती है नीड्स क्या होती है चेंजेस होती रहती है रिसोर्सेज भी हमारे लिए क्या होते हैं चेंजेस होते रहते हैं ओके पीपल दैम सेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इट इज़ देअर आइडियाज नॉलेज इन्वेंशन एंड डिस्कवरी दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सिस ठीक है मतलब समय के अनुसार क्या होगी इंसान की जरूरत भी चेंज होती रहेगी और उसके जो क्या है रिसोर्सेज यानी जो संसाधन है वो भी क्या होते रहेंगे चेंज होते रहेंगे द डिस्कवरी ऑफ फायर लेट टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील Ultimately, result resulted in development of new newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resources. What is the meaning of this? देखो होता क्या था जब क्या हुआ discovery of fire. Discovery of fire का मतलब है जब किस चीज़ का जब किस चीज़ का आविष्कार नहीं था मतलब आग का आविष्कार नहीं था जब अर्ली मैन को आग का पता नहीं था तो उस समय क्या करता वो अनड्राई फूड खाया करता करता था लेकिन वो भी क्या किसके रूप में रिसोर्सेज के रूप में था हमारे पास अवेलेबल था ठीक है फिर उसके बाद जब उस उसके पास किस चीज़ का आविष्कार नहीं था व्हील का मतलब होता है पहिए का आविष्कार नहीं था तो वो क्या करता था वो भी क्या करता था मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज यूज़ किया करता था वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करता था ओके नाव अ डेज वी हैव अ हाइड्रोलेक्ट्रिस इलेक्ट्रिसिटी मतलब अब क्या हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिसिटी है तो इन सब का क्या करता है आज की डेट में जो क्या है ह्यूमन बींग यूज करता है तो इसकी एक इकोनॉमिकल वैल्यू बन जाती है ओके सो नेक्स्ट थिंग वी हैव अ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ठीक है सो रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाई इन टू नेचुरल ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन ओके सो वी हैव डिस्कस यर वट इज रिसोर्सिसर Okay, so resources means the thing which we use and satisfy our needs called resources. Okay, what is the meaning of resources in, in Hindi? So, that is called Sansadan. Okay, so we have discussed here what is resources. So, the types of resources we will discuss in the next video. सो द होल पी डी एफ अगर आप क्या करना चाहते हैं इस पी डी एफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा इस पी डी एफ को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आप क्या कर सकते हैं इसको डाउनलोड कर सकते हैं ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टेक केयर एंड गुड बाय